हेलो स्टूडेंट्स, आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके दिए गए हैं, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हॉर्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, साथ में नोट डाउन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन पहले देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कौन सा हार्मोन जो है रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिक चेंजेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन प्राइमेट्स। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, हम लोग नोट डाउन भी साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल The menstrual cycle is a series of cyclic physiologic changes physiologic changes that take place inside the female reproductive tract in primates. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन प्राइमेट्स। द होल साइकिल The whole cycle takes place around 28 days to complete. ठीक है, menstrual cycle जो होता है 28 days में complete होता है। ठीक है, the whole cycle takes around कितने days के होते हैं? 28 days. टू कंप्लीट। ओके, द एंड ऑफ द साइकिल इज एकम्पेन्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ यूटेराइन इंडोथेलियम। ठीक है, द होल साइकिल टेक प्लेस अराउंड 28 डेज टू कंप्लीट। ओके, उसके बाद क्या होता है? द एंड ऑफ द साइकिल इज By the breakdown of
ऑफ यूटेराइन इंडोथीलियम, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या होता है, विच गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वेजाइना। ओके, चलिए हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ, समझते भी चलेंगे साथ साथ, ठीक है। विच गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, थ्रू द वेजाइना। दिस इज नोन एज मेंसेस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज मेंसेस, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, और आगे का हम लोग देखेंगे। चलो, अब लोग FSH के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं FSH के बारे में, तो चलिए उसके बारे में हम लोग यहां भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में को रेगुलेट करने में उसका बड़ा ही हाथ है, ठीक है। द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन, जिसको कि हम लोग FSH के नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग LH के नाम से जानते हैं, ठीक है, हार्मोन इसको हम लोग LH बोलते हैं, ठीक है। और कौन, एस्ट्रोजेन, ठीक है, एस्ट्रोजेन एंड हो जाएंगे आपके प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन आर द वेरियस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर द वेरियस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात करें, द लेवल ऑफ FSH, द लेवल ऑफ FSH एंड LH सिक्रीटेड फ्रॉम द इंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड्स, सिक्रीटेड फ्रॉम
इंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है। सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फोलिक्यूलर फेजेस। देखा, हम लोग देखे, सबसे पहले देखे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम लोगों ने देखा विच हार्मोन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें हम लोग क्या देखे, कौन कौन सा हार्मोन है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखे FSH, जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। दूसरा क्या देखे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH बोलते हैं। एस्ट्रोजेन एक हो गया आपका, प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो ये सब क्या है, वेरियस हार्मोन्स है जो कि रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और NCERT एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।